चीन के वायरस पर बचना क्यों लग रहा है नामुमकिन? वायरस की नई थ्योरी क्या है? वैक्सीन को लेकर अब क्या है असमंजस? अब आपको दिखाते हैं टॉप 9 वायरस 2.0। चीन ने कोरोना के लिए ट्रंप की $10 खरब मुआवजे की मांग को खारिज कर दिया है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप ने चीन से कोरोना के कारण हुई मौतों और विनाश के लिए अमेरिका और दुनिया को हर्जाने के रूप में $10 खरब का भुगतान करने के लिए कहा था। चीन ने कहा कि जवाबदेही उन राजनीतिज्ञों की है जिन्होंने लोगों के लिए जीवन और स्वास्थ्य की अनदेखी की। अमेरिका ने कहा कि फिर से महामारी के खतरे को रोकने के लिए कोरोना की वजह को जानना जरूरी है, लेकिन चीन अपने देश में इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स को एंट्री नहीं दे रहा है। बावजूद इसके अमेरिका कोरोना की उत्पत्ति का पता लगाने में जुटा है। इस बीच अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकिन ने कोरोना के लिए चीन को जिम्मेदार ठहराया है। कोरोना वायरस के चीन की वुहान लैब से निकलने की बात आए दिन नई नई रिपोर्ट्स में की जा रही है। अब खबर आई है कि चीन सेना के एक वैज्ञानिक ने महामारी फैलने से काफी पहले ही कोविड-19 की वैक्सीन के लिए पेटेंट फाइल करा दिया था। वैज्ञानिक यूसेन झोउ पीएलए के लिए काम करते थे। डेली मेल ने एक ऑस्ट्रेलियाई अखबार के हवाले से कहा कि झोउ ने चीन राजनीतिक पार्टी की ओर से 24 फरवरी 2020 को इसके लिए कागजी कार्रवाई की थी। इसराइल के सबसे बड़े दुश्मन और सीरिया में ईरान के पूर्व राष्ट्रपति अली अकबर मोहताश मीपोर की कोरोना से मौत हो गई है। 74 साल के मोहताश मीपोर को कई साल पहले मोसाद ने बम से मारने की कोशिश की थी, मगर वह उस हमले में बच गए थे, लेकिन उनका एक हाथ उड़ गया था। हिजबुल्ला की स्थापना करने में भी अली अकबर ने मदद की थी। कोविड वैक्सीन को लेकर कई इलाकों में ग्रामीणों के बीच खौफ बरकरार है। झारखंड के रामगढ़ जिले से कोरोना वैक्सीनेशन की जो तस्वीरें सामने आई हैं, वो काफी हैरान करने वाली हैं। यहाँ जान बचाने वाली वैक्सीन को ही ग्रामीण मौत की वैक्सीन बताकर इसे लगाने से मना कर रहे हैं। पब्लिक आना ही नहीं चाह रहा है, पता नहीं क्यों, किस बात से पब्लिक को इतना डर है, कोई समझ में नहीं आ रहा। हम लोग आ रहे हैं सुबह 9 बजे से बैठते हैं 4 बजे तक, लेकिन पब्लिक का कोई आते पाते नहीं रहता है। फरीदाबाद रेलवे स्टेशन परिसर में ऑक्सीजन से भरे 10 से ज्यादा टैंकर खड़े हैं। ये टैंकर गुजरात के जामनगर, हजीरा और ओडिशा के राउरकेला और अंगुल से ऑक्सीजन स्पेशल ट्रेन के जरिए आए थे। हर टैंकर में करीब 22 टन ऑक्सीजन है, जो कि अब रखे रखे लीक भी होने लगी है। टैंकर चालकों का कहना है कि उन्हें अभी तक यह नहीं बताया गया कि ऑक्सीजन की सप्लाई कहां देनी है। चौंकाने वाली बात ये भी है कि ड्राइवरों को घर भी नहीं जाने दिया जा रहा है। ओडिशा के नयागढ़ के एक कोविड सेंटर के अंदर मरीज का जन्मदिन धूमधाम से मनाया गया। इलाके के कलेक्टर ने कहा कि किसी भी मरीज की रिकवरी में उसकी मानसिक अवस्था बहुत ही निर्णायक होती है और हम इसी को मजबूत बनाए रखने की कोशिश कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी की एक महिला ई रिक्शा चालक कोविड मरीजों को फ्री सर्विस दे रही है। मुनमुन नाम की इस महिला ने इसके लिए अपने ई रिक्शा को एम्बुलेंस की शक्ल दे दी है और कोविड मरीजों की सेवा में 24 घंटे उपलब्ध है। मुनमुन मरीजों को घर से अस्पताल और अस्पताल से घर लेकर आती है। बेंगलुरु के गौशालाओं में मौजूद गायों को खाने की कमी हो रही है, ऐसा लॉकडाउन की वजह से हो रहा है। बेंगलुरु के कोरामंगला की इस गौशाला में 1200 के करीब जानवर हैं, लेकिन जब से लॉकडाउन लगा है तब से इनके लिए खाने की चीजें जुटाना आसान नहीं रह गया है। गौशाला के प्रबंधक इसके लिए सरकार को भी जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।